नगर निगम स्वच्छता की पाठशाला कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत सभी सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विधायक, महापौर व अध्यक्ष उपस्थित रहे। सफाई कर्मियों का यह सम्मान सिंगरौली में किया गया। विधायक रामलल्लू वैश्य ने कहा कि सफाई कर्मियों के वजह से ही हमारा शहर स्वच्छ रहता है, जिसको लेकर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनके साथ बैठक कर भोजन किया गया। वहीं महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मियों की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। सफाई कर्मियों के साथ हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के कारण ही हम सब कचरे से मुक्त रहते हैं। स्वच्छता पाठशाला के अवसर पर सिंगरौली के स्वच्छता मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया और सिंगरौली क्षेत्र में निरंतर स्वच्छ भारत अभियान के तहत समय पर अच्छे कार्य करने वाले सफाई मित्रों को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया और उनके साथ सहभोज भी किया गया। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।